कोर्सेरा 2040 में रिप्लेसमेंट एम के, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले 1087 जो एक कोड वाइज है मशीन का, तो 1087 दो बार करने के बाद आपको ऐसा कुछ रिपोर्ट होने के बाद आपको 251 करके स्टार्ट करना है। तो आपका ऊपर का जो काउंटर है 1,91,700 उसको रिसेट करने के लिए आपको क्लियर पे ओके करना है। तो ये 00 क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद आप देख रहे हो तो इसका मतलब वो एरर अभी नहीं आएगा। तो इसके बाद आपको रिसेट वाला बटन दबाना है। दो बार आप रिसेट करने पर उसके बाद आपको एक करके वन नंबर दबा के आपको ओके स्टार्ट करना है। जो आप है नॉर्मल पैनल पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी एम के टोनर का जो एरर आ रहा था रिप्लेसमेंट एम के, वो हट गया है पूरी तरह से। अपन अभी जो आपके सामने प्रिंट निकालते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये क्या रहता है कि मशीन चलने के बाद कभी बाय चांस अंदर से जो है वो मेंटेनेंस का एरर आता है एम के, तो इसको हटाने के लिए 1087 दो बार करना है। उसके बाद 251 दबा के नीचे की ओर लिखा हुआ क्लियर उसके ऊपर ओके करना है, तो आपका तुरंत हो जाएगा। ये प्रिंट भी सही आ गई है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। और हमने काफ़ी सारा कोई सारा मशीन का वीडियो बना के इस चैनल पे रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ड्रम रिपेयर करना, फ्यूजर इन, A to Z वीडियो बना के रखा है कोर्सेरा 2040 का। Thank you for watching video.